आज आप लोगों को मालूम हुआ कि सोल्जर बोर्ड पे कुछ पीड़ित पूर्व सैनिक जिनका एसबीआई गार्ड भर्ती में का लेटर नहीं आया, जिन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ सोल्जर बोर्ड में भ्रष्टाचार की शैली के चलते हम किसी भी 67 पूर्व सैनिकों का लेटर नहीं आया है, और जबकि उसमें से सिर्फ 2-3 लोगों का लेटर आया है। और उस संबंधित में आज यहाँ सोल्जर बोर्ड आया और इनका धरना समाप्त कराया, उन्हें आश्वासन दिया कि आगे अभी जिलाधिकारी को बता करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। उससे संबंधित में सोल्जर बोर्ड अधिकारी से हमारी लगभग आधा घंटे वार्ता हुई। उस वार्ता में उन्होंने अपने पत्राचार के बारे में, जो उन्होंने पत्राचार किया पिछले एक वर्ष में, उन्होंने उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने पूर्व सैनिकों से कहा कि धरना समाप्त कीजिए और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दीजिए, बाकी मेरे से संबंधित जो भी होगा इस संबंध में जो भी दोषी पाया जाएगा या सोल्जर बोर्ड की अगर उसमें भ्रष्टाचार कुछ मालूम होता है तो आगे अपने उपरोक्त अधिकारियों से शासन प्रशासन तक आपकी यह लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।